सोमवार रात को ही गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में पहुंच के यहां पे पहुंच के क्या स्थिति है उसका जायजा लेने वाले हैं। ऐसा ही सूत्र के मुताबिक हम लोगों को पता चल रहा है कि सोमवार रात को ही राज्यपाल के साथ बैठक होगा, पूरे जो मणिपुर की कैबिनेट है उनके साथ बैठक होगा, जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ भी बैठक होगा। तो आज रात को पहुँचने के बाद में सोमवार रात को पहुँचने के बाद में ही ये सब बैठकों का दौर जारी रहेगा। जहां तक दूसरे दिन के दौरा का सवाल है, अमित शाह जो ग्राउंड जीरो से हम लोगों को पता चल रहा है सूत्र के मुताबिक कि ऐसे कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इमा मार्केट है, उनके जो चीफ है वो सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं अमित शाह से। कुछ लोगों को ऐसा जो सूत्र के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उनको मिल पाए, ये हम लोगों को मिल रहा है। और साथ ही साथ वो कल भी पूरा सिक्योरिटी का दौरा, किस तरीके से क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसका पूरा दौरा लेने वाला है। और उसके बाद में जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि चूड़ाचंद्रपुर वो जा सकते हैं, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे जहाँ पर हम लोग लोगों से बात किए हैं तो हम लोगों ने, आम जनता जो है वो मणिपुर की शांति चाहती है, एक ऐसा शांति जो सब एक साथ रहना चाहते हैं, जो दो समुदाय के बीच जिस तरीके से हिंसा देखा गया है वो मणिपुर की परिचय नहीं है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो पिछले 5-6 सालों से शांत था, क्यों ऐसा अचानक हुआ वो बात की बात है। पर फिलहाल मणिपुर की आम जनता, जैसे हम लोग पूरा दिन भर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उससे ये पता चल रहा था कि किसी को ये इस तरीके का हिंसा पसंद नहीं है। जैसे ये भी पता चल रहा है कि 22 लोगों को कल रात को भी 22 लोगों को इंडियन आर्मी की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ईस्ट इम्फल की हिल जोन जो है YKP वहाँ से गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है सारे लोगों के पास भारी मात्रा में आर्म्स था, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और उन लोगों को कल ही रात को गिरफ्तार, रविवार रात को उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसे ये हथियार आ रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है, कैसे इसके ऊपर रोक लगाया जा रहा है ये सबसे बड़ी सवाल है। लोगों की उम्मीद है कि अमित शाह की इस यात्रा के बाद में, अमित शाह की मणिपुर दौरे के बाद में चीज़ें ठीक होंगी, मणिपुर फिर पुराना मणिपुर की तरह सब जगह ठीक रहेगा। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमोलिका सेनगुप्ता, CNN न्यूज़ 18 के लिए।